हमारा ये भौपू तो आज हमें बता रहा है कि अनुपमा की लाइफ में फिर आ गया है एक नया ड्रामा। भाई अनुपमा, अब तो आपको आदत ही हो गई होगी रोजाना एक नए ड्रामे की। ऐसे हम जानते हैं कि आप तो हंसते हंसाते कर लेती हैं हर सिचुएशन को हैंडल। तो क्या है आज ये सिचुएशन अनुपमा के सामने? स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा और ये रिश्ता क्या कहलाता है का महासंगम। अनुपमा और अक्षरा का मिलन। मिला गणपति बाप्पा का आशीर्वाद। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में बदल रही है कहानी, आ गई है नई पीढ़ी और आज सेट पर मौजूद है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की तिकड़ी यानी कि अक्षरा, अभिमन्यु और आरोही, और उन्हें इंट्रोड्यूस करने पहुंची है आप सबकी चहेती अनुपमा, जिन्होंने इन तीनों का फूल देकर स्वागत किया और फिर अनुपमा ने तीनों को दी गणपति बाप्पा की मूर्ति ताकि इन पर बाप्पा का आशीर्वाद बना रहे। वैसे इस खास मौके पर सेट पर मौजूद है प्रोड्यूसर राजन शाही, जो सीरियल ये रिश्ता की नई कहानी को लेकर है बेहद एक्साइटेड। वैसे इस शो में बदल गया है हर्षद चोपड़ा का अंदाज, वो एक नए अवतार और एक अलग किरदार में दर्शकों को एंटरटेन करने आ रहे हैं, और इसी के साथ अक्षरा और आरोही भी फैंस के दिल में जगह बनाने आई हैं। तो चलिए इन सब से ही जानते हैं इनका शूट एक्सपीरियंस। डीकेपी इज नॉट ओनली लाइक एक शो, लेकिन आपके वजह से पूरे डीकेपी के जितने शोज हैं वो एक किसी तरह से हमेशा मिलते हैं, एक बॉन्डिंग हो जाती है सबके बीच। एंड रिश्ता क्या कहलाता है, आई ऑलवेज टेल हिम आई सेड इट इज ऑलवेज लाइक अ मदरशिप एंड उसके छत्र छाया में अनुपमा बड़ी हो रही है। सो आई ऑलवेज वॉन्ट दैट अम्ब्रेला टू रिमेन, सो ऑल माई गुड विशेज। थैंक यू सो मच। एंड या थ्री न्यू टैलेंट्स, थ्री न्यू फेसेस, एंड आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस बिकॉज नॉट ओनली जो टिपिकली एक अच्छा इसका बच्चा हो गया तो चलो अब कहानी आगे बढ़ाते, वैसा नहीं है। एक कम्प्लीटली नया शो एक पुराने शो के ब्लेसिंग्स के साथ ये लेकर आ रहे हैं। अबे इस वक्त मैं क्या बताऊँ यार, आई एम फीलिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई एम श्योर यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। ऐसा नहीं कि तैयारी की कोई कमी है या ऐसा नहीं है कि कोई मतलब मेहनत की कोई कमी है, लेकिन वही थोड़ा सा पुटिंग टू टेस्ट वाली फीलिंग आती है बिकॉज देयर इज अ रेपुटेशन। सो बट या फिंगर्स क्रॉस्ड, और जैसा कि सर ने कहा भगवान जी की अगर कृपा रही बड़ों का आशीर्वाद रहा। I think all बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों का मतलब इन जनरल है, not बड़े के लिए। वी आई थिंक थोड़ा ही टाइम हुआ है शूट स्टार्ट करके एंड हमें ऑलरेडी इतनी एक्साइटमेंट है, इतनी नर्वसनेस है, इतनी मिक्स्ड इमोशंस है ना, पर शूट करने में बहुत मज़ा आ रहा है। और स्पेशली अगर मैं आज की बात करूँ तो आज तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया है इनके साथ काम करके बिकॉज मुझे ये बहुत स्टार्ट से पसंद है मैम। मैं इनको बहुत देखती आई हूँ, मैंने इनको अनुपमा में भी देखा है, आई एम हैविंग अ फैन मोमेंट एंड मुझे बहुत मज़ा आया इनके साथ काम करके। बहुत ज़्यादा नर्वस थी, नर्वसनेस का लेवल भी कुछ और था क्योंकि मुझे जब पता चला कि मैं अनुपमा में एक छोटा सा चंक शूट करने वाली हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी बिकॉज मैं मतलब एक मिनट, मुझसे डर नहीं लगता, मैम से डर लगता है, ये क्या बात हुई? इनके बारे में बोला कि मुझे इनके टाइम भी नर्वसनेस थी बिकॉज मैंने इनको भी देखा है तेरे लिए, मैं जो आए थे मेरे फेवरेट थे, मेरा फेवरेट सीरियल था वो। अरे वो सीरियल था ना, तो फिर मुझे बहुत नर्वसनेस थी आज सुबह सुबह आते टाइम कि क्या होगा, इससे मैं सुबह से इतनी ऑकवर्ड बैठी थी कि बात करूं नहीं करूं। फिर उसने मेरे गुड विशेस लिए हैं। एक शो ये रिश्ता का कहलाता है जिसने एक अनुपमा को एक स्टैंडिंग दी, यू नो अनुपमा को एक स्टैंडिंग दी, एक मदर शो है उसको एक स्टैंडिंग दी। आज ये रिश्ता का इंटीग्रेशन हो रहा है और अनुपमा का इंटीग्रेशन हो रहा है इन अनुपमा शो, एंड टुडे रूपाली हु इज रिप्रेजेंटिंग द एंटायर अनुपमा टीम इज देयर टू वेलकम ये रिश्ता टीम, द न्यू ट्रियोलॉजी के नए जो हमारे रिलेवेंस था कुछ पुराने हैं। सेट पर बिहाइंड द सीन तो बहुत सारी मस्ती हो रही है, सभी लोग एक दूसरे से पहचान बढ़ा रहे हैं, लेकिन सीन में हो गया है अनुपमा और अक्षरा का आमना सामना, जहां दोनों ही इस मन्नत वाले पेड़ पर अपनी अपनी विशेष मांग रही हैं। ऐसे में अनुपमा अक्षरा को सलाह भी देती है, और सबसे रिश्ते निभाना चाहती है, लेकिन अपने आप से रिश्ता निभाना तो दूर,
रिश्ता बना रहा तब नहीं आता उसे, इसलिए अपने आप से रिश्ता बनाना चाहिए, खड़े होने से पहले खुद के लिए खड़े होना चाहिए। थैंक यू सर। आपको पता है मेरा उदय में जा रही है, रास्ते में कुछ काम की वजह से अहमदाबाद में, अब मुझे समझ आया कि किस्मत में मुझे यही क्यों, ताकि मैं आपसे मिल सकूं। ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्या जो आइकॉनिक कैरेक्टर था वो वापस लाया जा रहा है इन अ वे दैट एक नई अक्षरा आ रही है, बहुत ही छोटी सी प्यारी सी अक्षरा आई है, और वो एक जो नाम इस शो के साथ जो जुड़ा हुआ था वो वापस से यू नो एक नए रिवैम्प्ड स्टोरी के साथ, एक कम्प्लीटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म के साथ, लेकिन उस इमोशन को अगेन कनेक्ट करते हुए, जो पहला जो रिश्ता का जो 13 साल का इमोशन था पहले ही ना, फिर शिवांगी, आई एम एक्चुअली मिसिंग शिवांगी अ लॉट हियर, बहुत अजीब सा लग रहा है ये रिश्ता के सेट पे आके शिवांगी का ना होना, एंड मैं कभी भी ऐसे यहाँ आती थी तो आई वुड रन टू मीट हर, या तो वो कभी भी होती थी तो मुझे मिलने आ जाती थी। अनुपमा जो अभी फ़िलहाल रिश्ता क्या कहलाता है मदरशिप रहा है, और अनुपमा फ़िलहाल DKP का फ्लैगशिप शो है, सो ऑब्वियसली ये दो आइकॉनिक कैरेक्टर्स जो नायरा रही है या सीरत रही है, हीना रही है, मुझे जब अनुपमा आ रहा था तब मुझे शिवांगी ने यानी नायरा ने इंट्रोड्यूस किया था, तो ऑब्वियसली जब कोई नया कैरेक्टर आ रहा है हमारे शो में तो मुझे उसे इंट्रोड्यूस करना ही है एज अनुपमा। तो भाई अनुपमा ने इस नई पीढ़ी को इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो आप सब भी तैयार हो जाइए सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अभिमन्यु, अक्षरा और आरोही की नई कहानी देखने के लिए। वैसे जाते जाते देख लीजिए इन सब की उदयपुर के शूट में बिहाइंड द सीन मस्ती का ये वीडियो, जिसमें सभी घूमर डांस करते नजर आ रहे हैं। तो दिल थाम कर इंतजार कीजिए नई पीढ़ी के नए सफर का। मुंबई से अनुराग गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।